यमुनानगर में बूढ़िया थाना के पास गैंगवार के चलते पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगाने वाले 5 युवकों सुलेमान, अलाउद्दीन, सनी, निखिल और साहिल का फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। रात तक जहां स्थानीय गोताखोर और पुलिस नहर में तलाश कर रहे थे, वहीं सोमवार सुबह NDRF की टीम ने यहां मोर्चा संभाला। दोपहर तक 5 युवकों में से किसी को नहीं तलाशा जा सका। इस बीच पुलिस ने वारदात को लेकर लुका गैंग के 11 नामजद बदमाशों समेत 20 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। जिन परिवारों के युवक नहर में बहे हैं, वे भी सुबह से ही नहर पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उनके बच्चों का सुराग लगे। यमुनानगर में रविवार को शांति कॉलोनी निवासी सुलेमान, अलाउद्दीन, साहिल, निखिल, सन्नी, अमर कुमार साहिल और ढेड़ा इशू, दीपक व शौकीन जगाधारी की अनाज मंडी में आयोजित CM मनोहर लाल के विकास रैली में गए थे। वापस लौटते समय वे पश्चिमी यमुना नहर के बूढ़िया घाट पर नहाने के लिए चले गए। इसी बीच 20-25 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 30 से अधिक युवक मौके पर पहुंच गए। दोनों गैंग आमने सामने आए और मारपीट व हंगामा शुरू हो गया। इस बीच अलाउद्दीन, सुलेमान, साहिल गंगानगर कॉलोनी निवासी, सन्नी व निखिल उर्फ निक्की, साहिल, रवि, इशू, सनी, शौकीन ने हमलावरों से बचने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। साहिल, रवि, इशू, सनी, शौकीन तो किसी तरह से निकल गए, लेकिन शेष 5 युवक पानी की तेज बहाव में बह गए। हमलावरों ने यमुना में कूदे युवकों पर पत्थर बरसाए और गोली मारने की धमकी दी। हमले की वजह से वे बाहर नहीं निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।